हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द IEEE स्टैंडर्ड्स जिसे 1985 में स्टार्ट किया गया था। नाउ द कंप्यूटर सोसाइटी IEEE की है, उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उस प्रोजेक्ट को कहते हैं प्रोजेक्ट 802। दिस प्रोजेक्ट वॉज बेसिकली डिजाइन टू मेक स्टैंडर्ड्स बिटवीन द डिफरेंट इक्विपमेंट्स विच इज डेवलप्ड बाई द डिफरेंट मैनुफैक्चरर्स। तो जो डिफरेंट मैनुफैक्चरर्स होते हैं वो जो डिफरेंट इंटर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाते हैं, तो उनके बीच में एक इंटर कम्युनिकेशन होने के लिए इस प्रोजेक्ट का डिफाइन किया स्टार्ट किया गया था, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट 802। नाउ तो ये प्रोजेक्ट जो होता है, इट बेसिकली डिफाइन द मेन फंक्शंस ऑफ द फिजिकल लेयर एंड द डेटा लिंक लेयर ऑफ मेजर लैंड प्रोटोकॉल। तो जो डिफरेंट लैंड प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके फिजिकल लेयर और डेटा लेयर लिंक लेयर की जो फंक्शंस की डेफिनेशन होती है वो प्रोजेक्ट 802 के द्वारा डिफाइन किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला आपका लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो जैसा मैंने आपको बताया तो कि जो आपका डेटा लिंक लेयर होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, जो आपका डेटा लिंक लेयर होता है उसे दो सब लेयर्स में डिवाइड किया था, दैट इज LLC और मैक में। LLC दैट इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मैक दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल की अगर बात करते हैं तो आपने जैसा चैप्टर 11 में देखा था कि जो आपका लिंक कंट्रोल होता है वो फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल को क्या करता था, हैंडल करता था। तो इन IEEE जो प्रोजेक्ट 802 लॉन्च किया उसमें भी क्या था, जो फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड सम पार्ट ऑफ द फ्रेमिंग जो थी उसकी जो ड्यूटीज थी, इनको कलेक्टिवली एक सब लेयर में डिफाइन कर दिया गया जिसे हम कहते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करता है, दैट इज फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड पार्ट ऑफ द फ्रेमिंग। नाउ फ्रेमिंग जो होती है वो LLC सब लेयर और मैक सब लेयर दोनों के दोनों उसे हैंडल करते हैं। तो फ्रेमिंग की हैंडलिंग जो होती है LLC और मैक लेयर दोनों के द्वारा की जाती है। अब अगर हम बात करें कि LLC और मैक में डिफरेंस क्या है, तो LLC जो होती है, आप यहाँ से डायग्राम से भी देख सकते हैं, LLC जो होती है, आप ये आपकी डिफरेंट लाइन है, तो पूरी की पूरी अगर यहाँ देखिए यहाँ तक लाइन के लिए आप सिंगल लॉजिकल लिंक कंट्रोल को ही क्या कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल या LLC होती है, इट प्रोवाइड्स द वन सिंगल डेटा लिंक प्रोटोकॉल, वन सिंगल डेटा लिंक प्रोटोकॉल फॉर IEEE लैंस, फॉर ऑल द IEEE लैंस। वहीं जब बात करते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तो फॉर डिफरेंट IEEE लैंस के लिए देर इज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। सो हेयर वी कैन सी दैट कि जो एक आपकी जो सिंगल LLC प्रोटोकॉल होती है, लॉजिकल लिंक की सिंगल प्रोटोकॉल जो होती है, इट कैन प्रोवाइड द इंटर कनेक्टिविटी बिटवीन द डिफरेंट लैंस, बट मैक जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या होती है? अगर LLC की बात करें तो जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है ये एक प्रोटोकॉल डेटा यूनिट यूज़ करता है, PDU जिसे कहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड डिफाइंस PDU। और ये जो PDU होता है सेम आपके HDLC फ्रेम की तरह होता है। तो HDLC फ्रेम में जैसे आप जिस तरह आपके एक हेडर में कंट्रोल फंक्शंस होता है, उसी तरह आपके LLC के PDU में भी जो हैडर होता है वो आपका किस तरह काम करता है, एज अ कंट्रोल फंक्शन। कंट्रोल फंक्शन का मेन काम क्या होता है, दैट इज एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल के लिए। नाउ दिस PDU जो होता है इट ऑल्सो कंटेंट्स टू अनदर हैडर्स, दैट इज कॉल्ड द DSAP एंड द SSAP। तो इसमें दो अलग से हेडर्स होते हैं, DSAP और SSAP। तो DSAP की बात करते हैं, DSAP आपकी जो होती है बेसिकली डेस्टिनेशन सर्विस एक्सेस पॉइंट DSAP कहते हैं, और SSAP को सोर्स सर्विस एक्सेस पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। तो एक बात हम समझ सकते हैं कि जो अगर कोई एक फ्रेम जो होता है विच इज डिफाइंड इन HDLC में होता है, तो इफ अ फ्रेम डिफाइंड इन HDLC फ्रेम देन इट इज डिवाइडेड इंटू अ PDU एट द LLC एंड फ्रेम एट द मैक सब लेयर। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, कि आपकी अगर कोई एक फ्रेम HDLC में डिफाइंड होती है तो कैसे उसको दो पार्ट्स में PDU LLC सब लेयर और फ्रेम मैक सब लेयर में डिफाइन हो जाती है। आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, दैट इज ये आपकी HDLC की फ्रेम है, तो दिस HDLC फ्रेम इज डिवाइडेड इंटू द टू पार्ट्स, दैट इज ये पूरा का पूरा पार्ट आपका देखें, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है आपका LLC का PDU हो गया, दैट इज PDU LLC हो गया। और PDU LLC क्या है आपके, इसमें मैक में भी है, तो पहला आपका एक PDU LLC हो गया और दूसरा आपका क्या होता है मैक फ्रेम में। तो एक फ्रेम जो HDLC में होता है वो दो पार्ट्स में आपके डिवाइड हो जाता है, दैट इज LLC PDU एंड द मैक फ्रेम। नाउ एक क्वेश्चन राइज होता है कि हमें LLC की जरूरत क्यों, दैट इज लॉजिकल लिंक की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब हमारे पास डेटा लिंक कंट्रोल है ही,
मेन अगर पर्पस देखा जाए तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल की होती है, वो बेसिकली होती है आपके फ्लो और एरर कंट्रोल की होती है। और ये किसे ज़रूरी होता है फ्लो और एरर कंट्रोल, दैट इज़ अपर लेयर प्रोटोकॉल्स को दैट एक्चुअली डिमांड दिस सर्विसेज। तो जो अपर लेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं, दैट इज़ आप रिसीवर साइड में जब जाएंगे, तो जब नीचे लोअर लेयर से अपर लेयर पर जब डेटा ट्रांसमिट होगा, सो अपर लेयर विल डिमांड द फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल सो दैट द डेटा कैन बी फ्लॉलेसली ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, कोई अगर आपका लैन है एंड कोई एक लैन या डिफरेंट लैंस हैं आर यूज इन आइसोलेटेड सिस्टम, जो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में आप एक लैन या डिफरेंट लैन को यूज़ कर रहे हैं, देन LLC मे बी नीडेड टू प्रोवाइड फ्लो एंड एरर कंट्रोल फॉर द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। तो जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स पे जो आपकी जो एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल को कंट्रोल करना होगा, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे LLC को। सो फॉर दिस रीज़न LLC वी यूज़। बट nowadays जो मोस्ट अपर लेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं, अभी तो हमने देखा कि LLC हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे थे, फ्लो और एरर कंट्रोल के लिए एट द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के लिए। बट nowadays मोस्ट अपर लेयर प्रोटोकॉल जो होते हैं वो यूज़ करते हैं IP, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। देयरफॉर दे डू नॉट यूज़ द सर्विसेज ऑफ LLC। तो LLC की जो सर्विसेज हैं वो अब यूज़ नहीं हो रही हैं। इनिशियली वी वर यूजिंग द LLC सर्विसेज ऑफ द LLC। तो बस आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है कि जो HDLC फ्रेम होता है डिवाइडेड इनटू द टू सब फ्रेम्स, दैट इज द LLDC PDU एंड द MAC फ्रेम, कंबाइंडली दे मेक अ फ्रेम फॉर द HDLC।